आखिरी दिन कहते हैं, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है। उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया, उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है।